टीचर हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो पीपीएस का फुल फॉर्म क्या है वो आपको सबसे पहले बता देती हूँ। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्व। टीचर हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो पीपीएस का फुल फॉर्म क्या है वो आपको सबसे पहले बता देती हूँ। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्व। पीपीएस सिलेबस, जो आपका पीपीएस का सिलेबस है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है, तो ये आपका पीपीएस का सिलेबस है। उसको मैं आप लोगों को, जो आपका सिलेबस का पीडीएफ है उसी के थ्रू आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आपको सिलेबस क्या है, कैसे है, ये भी बातें आप लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस माइन्यूट थिंग्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है। आपका जो पीपीएस है उसका सब्जेक्ट कोड है CO101U, और इस ये पूरा 100 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट आपको आने वाला है, ठीक है। सो ये 100 मार्क्स कैसे डिवाइड होने वाले हैं, तो 30 मार्क्स आपके एमएससी के रहेंगे, मतलब एमएससी मतलब मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मतलब सेमेस्टर के बीच में, जब जितना आधा सेमेस्टर जब होता है उसके अंदर आप लोगों का 30 मार्क्स का एक टेस्ट लिया जाएगा, और वो कहलाएगा आपका 30 मार्क्स का एमएससी, ठीक है। देन 60 मार्क्स का आपका ईएससी रहने वाला है। ईएससी मतलब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मतलब जो सेमेस्टर के एंड में ली जाती है वो, ठीक है, वो 60 मार्क्स की रहने वाली है। और 10 मार्क्स आपके आईएसए के लिए रहने वाले हैं। तो 10 मार्क्स आईएसए के लिए कैसे डिवाइड होने वाले हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वो रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी एनोटेट। ये जो आपके 10 मार्क्स हैं आईएसए के, ये कैसे डिवाइड होने वाले हैं, तो ये आपके डिवाइड होंगे कुछ इस तरह से। यहीं पर मैं इसको अनोट कर रही हूँ, बस आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो अटेंडेंस के लिए आपको 10 मार्क्स रहने वाले हैं। देन असाइनमेंट जो है, मैं आपको नियर अबाउट 3 और 5 असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी, तो उसके लिए भी मैं आपको 10 मार्क्स के लिए वो डिवाइड करके दूंगी, ठीक है। देन सरप्राइज टेस्ट मैं आपकी लेने वाली हूँ, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट आपकी ली जाएगी, वो भी आपकी 10 मार्क्स की होने वाली है, ठीक है। सो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 मिलके आपके हो जाएंगे 30 मार्क्स, और ये जो 30 मार्क्स है इनको मैं 10 में कन्वर्ट करके आपका आईएसए टूल जो है वो बन जाने वाला है। सो हमेशा याद रखना, 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के लिए है, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के लिए है, और 10 मार्क्स आपके सरप्राइज टेस्ट के लिए है। इनमें से एक भी चीज अगर आपने प्रॉपरली नहीं की, मतलब अटेंडेंस अगर आपकी 75% से लो है, तो आपके 10 मार्क्स, 10 में से जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। असाइनमेंट अगर आप लोगों ने प्रॉपर सबमिट नहीं किया है, अगर कोई बंदा है कि उसने असाइनमेंट ही सबमिट नहीं किया है, एक भी असाइनमेंट सबमिट ही किया, 5 असाइनमेंट दिए मैंने, उसने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो उसको ये 10 मार्क्स में से 0 मार्क्स उसको मिलने वाले हैं। आपको ये 10 और ये 10, इस 20 मार्क्स में से ही आपको ये आईएसए जो है वो मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने सरप्राइज टेस्ट नहीं दी, तो सिर्फ फिर से वैसे ही होगा, ये 10 मार्क्स जो है वहां पर आपको इस 10 में से 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, बाकी बचे हुए 20 मार्क्स में से आपका जो आईएसए है वो काउंट डाउन किया जाएगा, ठीक है। सो आईएसए कैसे काउंट मैं करने वाली हूँ ये पहले ही बता दिया है मैंने। आईएसए टूल जो है उसके अंदर मैंने 3 टूल्स वहां पर इंप्लीमेंट, 3 टूल्स जो है वो मैं वहां पर काउंट करने वाली हूँ। फर्स्ट वन विल बी योर असाइनमेंट, सेकेंड वन विल बी योर अटेंडेंस, एंड थर्ड वन विल बी योर सरप्राइज टेस्ट। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, गुड। सो ये जो 60 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, उसके लिए आपको 3 आवर्स जो है वो दिए जाने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर आपको, 3 घंटे का टाइम आपको 60 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए दिया जाने वाला है, ठीक है। सो यहां पर आपको मार्क्स की जो स्कीम है इस सब्जेक्ट के लिए, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। देन हम इसका सिलेबस जो है वो कवर, सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। इसको मैंने कलर किया है, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। सो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आपके जो कंप्यूटर सिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। देन उसके अंदर जो डिस्क होती है या फिर मेमोरी जो होती है, प्रोसेसर कौन सा लगता है, कौन कौन से टाइप के प्रोसेसर अब तक हम लोगों ने यूज कर किए हुए हैं ह्यूमन काइंड ने, ठीक है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंपाइलर, असेंबलर, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब आपको बेसिक चीजें जो है वो यहां पर आप लोगों को पढ़ना है इन योर फर्स्ट यूनिट, ठीक है।
सो बेसिकली ये सब्जेक्ट इतना इंट्रोड्यूस आप लोगों को क्यों किया है, इतना बेसिक चीज़ें क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे बार मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर पाते. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो कंप्यूटर मतलब वो ले नहीं सकते, या फिर उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया है, या फिर यूज़ भी किया होगा स्कूल्स में उन्होंने शायद से यूज़ किया होगा, लेकिन उनके पास घर पे नहीं है. तो स्कूल्स में क्या है, जितना बताया उतना ही किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर पता नहीं चलती. सो बेसिक चीज़ें जो है, कंप्यूटर ब्रांच के आप स्टूडेंट हो तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए. एंड दैट्स वाई दिस बेसिक्स अबाउट योर कंप्यूटर इज गिवन इन योर फर्स्ट यूनिट. ठीक है, सो आपके फर्स्ट यूनिट में ये जो बेसिक है वो यहाँ पर दिया हुआ है. देन विल मूव टू दिस सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट जो है आपका वो है आइडियाज ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम की आइडियाज क्या क्या है. ठीक है, सो स्टेप्स कौन कौन से हैं, आपकी लॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे आप सॉल्व करने वाले हो, उसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है. देन एल्गोरिदम को आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, जैसे कि एल्गोरिदम को आप फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर पाते हो, या फिर एल्गोरिदम को आप सुडो कोड से आप रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है इसका एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. देन नेक्स्ट यहाँ पर है अल्गोरिदम टू प्रोग्राम आप कैसे जाने वाले हो. ठीक है, सो अल्गोरिदम टू प्रोग्राम आप कैसे जाओगे, तो सोर्स कोड क्या क्या है, सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड कैसे लिखा जाता है, देन डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, मेमोरी लोकेशंस क्या होती है, सिंटैक्स. देन जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो वहां पर अलग अलग टाइप की एरर्स होती है, जैसे कि सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर्स हो सकती है. ठीक है, सो ये सारी एरर्स को आपको कैसे सॉल्व करना है. देन ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड यूनिट में पढ़नी है. ठीक है, देन थर्ड यूनिट जो है आपका वो है एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड प्रोसीजर्स, सॉरी प्रेसिडेंस. सो यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को आपको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. ठीक है, आप राइट डाउन करके तो सॉल्व कर ही लेते हो, अभी आप डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको पता है कि एरिथमेटिक अगर एक्सप्रेशंस आपको दिया जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग की हेल्प से एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 2 + 4 इक्वल्स टू वॉट. ठीक है, सो 2 + 4 इक्वल्स टू वॉट, तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आप डायरेक्टली बता सकते हो क्योंकि आप इतने सालों से मैथ्स पढ़ रहे हो. ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट वी विल सी इन दी प्रोग्रामिंग लैब. ठीक है, इसकी जो लैब है इसके अंदर आपको इसके बारे में एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने का. ठीक है, सो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है. मतलब ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ऑपरेटर क्या है, उनके अलग अलग टाइप क्या है, और कौन सा ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सब डिटेल में हम इस थर्ड यूनिट में देखने वाले हैं. ठीक है, सो फोर्थ यूनिट जो है आपका वो है कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप. इसके अंदर जो लूप है या फिर इटरेशंस जो है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. और इज इट विजिबल टू यू प्रॉपरली? यस मैम, इट इज विजिबल. ओके, यस गुड. सो लूप्स वगैरह जो है वो कैसे लिखे जाने चाहिए, इटरेशंस जो है वो कैसे लिखना चाहिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखने वाले हैं. नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो है एरे का. यहाँ पर 1D array, 2D array, 1D और 2D, मतलब क्या है, 1D, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे जो है उनको कैसे आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखनी है. देन कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग्स जो है वो क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम क्यों कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हमें एरे चैप्टर के अंदर देखना है. नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है बेसिक अल्गोरिदम्स. बेसिक अल्गोरिदम्स के अंदर सर्चिंग देन सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स, जैसे कि बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, तो ये सारे अल्गोरिदम्स जो है सो बेसिकली
पहले हम अल्गोरिदम का आइडिया देख लिया हम लोगों ने सेकेंड यूनिट के अंदर, और इस यूनिट के अंदर अल्गोरिदम्स को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अल्गोरिदम्स को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सॉर्टिंग अगर आप लोगों को करना है तो वहां पर आप लोगों को अलग अलग अल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है, या फिर सर्जिंग अगर आपको करना है तो वहां पर उसके लिए अलग अलग मेथड्स अल्गोरिदम्स आप लोगों को दिए हुए हैं। तो ये सब बातें हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। देन स्क्वायर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का रूट आप लोगों को फाइंड करना है, या फिर नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी बातें हमें एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर पढ़नी है। देन नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो है फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। देन कौन कौन से फंक्शन आप लोगों के लाइब्रेरी में ऑलरेडी दिए हुए हैं और उनका इस्तेमाल करके आप लोग फंक्शन को और ज़्यादा कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है। देन वहाँ पर इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर आप लोगों को बहुत बार अगर ओरल लिया जाता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन रिकर्शन जो है, रिकर्शन के अंदर हम देखने वाले हैं कि रिकर्शन क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है। देर आर वेरियस वेज टू इम्प्लीमेंट रिकर्शन एंड वेरियस वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिकर्शन, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। देन फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करना है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट यूनिट जो है आपका वो है स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देन डिफाइनिंग स्ट्रक्चर्स एंड एरे ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ये सारी बातें हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। देन नेक्स्ट आपका जो यूनिट है सेकेंड लास्ट वो है पॉइंटर्स, यहाँ पर पॉइंटर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कैसे डिफाइन करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर पॉइंटर्स इस्तेमाल करके हम हमारा खुद का फायदा कर सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आइडियाज ऑफ पॉइंटर्स, डिफाइनिंग पॉइंटर्स, यूज ऑफ पॉइंटर्स इन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, देन नोशन ऑफ लिंक लिस्ट, ये सारी बातें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के अंदर हम देखने वाले हैं कि हाउ यू कैन ओपन और हाउ यू कैन राइट इन टू अ फाइल यूजिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम राइट आउट आपको करना है और उसके हेल्प से आप दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हो या फिर दूसरी फाइल के अंदर कुछ अपडेशंस कर सकते हो। तो ये कैसे किया जाता है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू फाइल हैंडलिंग। ठीक है, सो ये आपका सिलेबस है। अभी ये जो सारा सिलेबस है ये आपको कहाँ से स्टडी करना है, तो ऑफकोर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, साथ में अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पर बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बायरन का एक बुक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद सी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ प्रोग्रामिंग विद सी, ये मैग्रो हिल का बुक है। देन सेकेंड जो बुक आप लोगों को यहाँ पर दिया है वो है ई बालगुरु स्वामी का, उसका नाम है प्रोग्रामिंग इन अनसी सी। इस बुक का नाम क्या है, प्रोग्रामिंग इन एनसीसी, उसका फोर्थ एडिशन जो है वो आपको रेफर करना है। देन यशवंत कानेटकर का थर्ड बुक आप लोगों को दिया हुआ है जिसका नाम है लेटेस्ट सी, इसकी 10th एडिशन यहाँ पर आप लोगों को बताई हुई है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, सो मैं आपको इनमें से ही पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास जो है इसकी 9th एडिशन है। ठीक है, यशवंत कानेटकर का जो बुक है, ये यशवंत कानेटकर का बुक है लेटेस्ट सी का, इसकी मेरे पास 9th एडिशन है। और दूसरा जो बुक है उसका ई बालगुरु स्वामी का, तो इसकी मेरे पास 6th एडिशन है। ठीक है, यहाँ पर 4th एडिशन बताया लेकिन मेरे पास 6th एडिशन है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, पीछे आगे पीछे थोड़ा सा जो होता है वो चल जाता है। प्लस साथ में मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को मैंने क्लासरूम का कोड दिया हुआ है, जो अभी फोर्थ राउंड के बच्चे हैं शायद से उनके पास नहीं होगा, सो मैं अभी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। क्लासरूम का कोड मैंने दिया है, उससे आपको क्या करना है, गूगल क्लासरूम जो है आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ताकि क्या हो जाएगा, जैसे ही आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेते हो तो उसके ऊपर अभी सारे बच्चे आ चुके हैं, तो मैं वहां पर ये जो बुक है यशवंत कानेटकर की सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास इस बुक की, तो वो सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग दी क्लासरूम कोड। ठीक है, क्लासरूम का कोड जो है वो मैंने पीपीएस के ग्रुप के ऊपर सेंड कर दिया है। जो बच्चे नए हैं वो एक काम करो, उस कोड के हेल्प से आपको पीपीएस की जो क्लासरूम है उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है,
सो दीज आर दी टेक्स्ट बुक्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस. साथ में कुछ रेफरेंस बुक्स जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं. ठीक है, ब्रायन का बुक है, देन वेणुगोपालन का है मास्टरिंग सी करके, देन स्टीफन कोजन का बुक है प्रोग्रामिंग इन सी, और दूसरा लास्ट वाला जो है वो अशोक कामथाने का बुक है जिसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. उसकी सेकेंड एडिशन आप लोगों को रेफर करनी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस. आपका जो पीपीएस का सिलेबस है वो ये सारा सिलेबस है. अभी लैब भी हम देख लेते हैं, पीपीएस का जो लैब हेलो मैम, है. हेलो हेलो, हेलो मैम, यहाँ से कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए मैम? तीनों बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हो बेटा, तीनों बुक है ना? लेना पड़ेगा? लेना नहीं है आप लोगों को, मैंने बहुत बार बताया तीनों बुक्स आपको लेना नहीं है. अगर आप चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स यू कैन परचेस इट इफ यू वांट, बट अगर हमारा अभी पता नहीं है आपका कॉलेज ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा फिलहाल तो, लेकिन अगर आपका कॉलेज ऑफलाइन होता है शुरू तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू द लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में से आप बुक्स को इशू कर सकते हो. ठीक है, सो बुक्स आपको परचेज करना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको बुक परचेज ही करना पड़ेगा. आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में आप बुक्स इशू कर सकते हो, लेकिन बस लाइब्रेरी शुरू कब होती है ये एक बार देख लो एक बार. ठीक है, क्योंकि वो शुरू कब होगी ये मुझे पता नहीं है. ठीक है, पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर मैं आपके डाउट जो है वो कवर कर लेती हूँ. ठीक है, पहले मुझे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लैब है उसको एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर मैं आपके जो डाउट्स हैं, मुझे पता है आप लोगों के डाउट्स क्या है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में यही सेम डाउट्स बाकी बच्चों ने भी पूछे थे. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट द लैब सिलेबस टू यू एंड देन आई विल गो टू योर वट एवर डाउट्स यू हैव आई विल गोइंग टू सॉल्व इट. ठीक है, सो 102 कोड है यहाँ पर, CO102U, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब. हमारा जो पीपीएस का थियरी था पहले जो बताया 101 वो थियरी था, ये लैब है. ठीक है, लैब के लिए आपको 50 मार्क्स का लैब है. ठीक है, 50 मार्क्स का आईसी आपको रहने वाला है, 2 घंटे का प्रैक्टिकल आपको हर हफ्ते के लिए 2 घंटे का प्रैक्टिकल आपको होने वाला है इसका. ठीक है, इसके अंदर हमें 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर तो 2 ग्रुप्स आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी. ग्रुप ए के अंदर 8 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, ग्रुप बी के अंदर 8 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी हुई है. तो इनमें से हमें क्या करना है, मिनिमम 5 एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू परफॉर्म फ्रॉम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रिस्पेक्टिवली. ग्रुप ए और ग्रुप बी में से आप लोगों को 5 5 प्रैक्टिकल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर. मतलब पूरे सेमेस्टर के अंदर हमें टोटल 10 प्रैक्टिकल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं. ठीक है, सो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे मैंने आपको सेकेंड या थर्ड यूनिट था उसके अंदर बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के वहां पर आप लोगों को बताया है, तो जैसे कि एडिशन कैसे होती है, सब्स्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे किया जाता है, ये आपको इसका आपको प्रोग्राम तैयार करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो है कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है या फिर कोन है, तो इनका आपको वॉल्यूम और एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर उसका प्रोग्राम जो है वो राइट करना पड़ेगा. ठीक है, देन थर्ड जो है आपका फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 और 3 नंबर्स, 2 या 3 नंबर्स आप लोगों को दिए हुए होंगे उनमें से आप लोगों को क्या करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसका प्रोग्राम आप लोगों को वहां पर राइट डाउन करना है. देन बाइनरी और हेक्स एंड ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्स और ऑक्टल कन्वर्जन यहाँ पर आप लोगों को करना है, तो उसका भी प्रोग्राम यहाँ पर आप लोगों को राइट डाउन करना पड़ेगा, मतलब क्रिएट करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट है जनरेटिंग ऑड एंड इवन नंबर्स, कुछ रेंज आपको दी हुई हुई जैसे कि 1 to 50 की रेंज है, तो इसमें से इवन नंबर्स कौन से हैं, इसमें से ऑड नंबर्स कौन से हैं, ये आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट सम एवरेज ऑफ एन नंबर, एन नंबर आपको दिए हुए होंगे और उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, उसमें से सबसे छोटा कौन सा है. सपोज करो आप लोगों को 10 नंबर दिए हुए हैं, तो उन 10 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या फिर सारे जो 10 नंबर है उनको अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी सम कितनी होगी, उसका एवरेज क्या होगा, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर काउंट करना है. देन नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन आप लोगों को यहाँ पर करना है, मैट्रिक्स के ऊपर जैसे कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, यूजिंग द एरेज.
और नेक्स्ट आपका है लीनियर बाइनरी, लीनियर और बाइनरी सर्च, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। देन ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिया है चेकिंग द नंबर फॉर पैलिंड्रोम, नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो आपको यहाँ पर देखना है। देन जीसीडी आप लोगों को दो नंबर्स का काउंट करना है। देन थर्ड जो है आपका वो है प्रोग्राम टू स्वैप द नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस से आपको जो दो नंबर है उनको स्वैप करना है। मतलब ए, अगर ए है और बी है, ए के अंदर अगर आपका आता है 10 और बी के अंदर अगर आपका आता है 20, तो यू हैव टू स्वैप दे, मतलब ए के अंदर 20 आना चाहिए और बी के अंदर 10 आना चाहिए। तो ये कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, वो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। देन फोर्थ जो आपका प्रैक्टिकल है फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जो नंबर दिया हुआ होगा उसका फैक्टोरियल आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देन चेकिंग एंड जनरेटिंग द प्राइम नंबर, देन स्ट्रिंग प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन, रिकॉर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग द स्ट्रक्चर्स एंड सिंपल प्रोग्राम फॉर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इतने सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं इनमें से आपको मिनिमम 10 प्रैक्टिकल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, बुक्स जो है वो सेम वही बुक्स हैं जो आपको थ्योरी के अंदर, थ्योरी जो सब्जेक्ट सिलेबस था उसके अंदर जो बुक्स दिए हुए थे वही हैं। तो इनमें से कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हो, या फिर तीनों के तीनों बुक अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो नेट पे सिर्फ एक ही बुक जो यशवंत कर्णिकर का बुक है उसी की सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। ई बालगुरु स्वामी की भी सॉफ्ट कॉपी मिलती है, लेकिन उसके अंदर मैंने पिछले बार दिखाया था कि उसके अंदर कुछ पेजेस जो है वो दिए हुए नहीं है, मतलब तीन चार पेजेस दिए हैं उसके बाद के पेजेस दिए नहीं है, चार पांच पेजेस दिए हैं उसके बाद के पेजेस दिए नहीं है, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो हमें पूरा जो बुक की सॉफ्ट कॉपी है ई बालगुरु स्वामी की वो नहीं मिल रही है, और इसको मैंने ट्राई नहीं किया है। बायरन का जो बुक है इसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया है डाउनलोड करने के लिए। आप अगर फ्री हो तो आप ट्राई कर सकते हो, बायरन का बुक अगर आपको मिलता है सॉफ्ट कॉपी तो आप चेक कर सकते हो नेट के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस, ये पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और उसके जो टेक्स्ट बुक्स कौन से आपको रेफर करने हैं और मार्किंग स्कीम कैसी है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन आज कर दी है। सो यहाँ पर मैं अभी स्टॉप करती हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। हाँ बोलो, हाँ अभी तक आपने जो सिलेबस बताया वो फर्स्ट सेम के लिए है क्या पूरे सेम के लिए?